मेजर बारबरा बाय जीबी सॉ, ये जीबी सॉ के द्वारा लिखी गई है। सो मेजर बारबरा इज ए थ्री एक्ट प्ले, ये जो है एक थ्री एक्ट प्ले है, इंग्लिश प्ले, स्वाभाविक है, इंग्लैंड के ऑथर के द्वारा लिखी गई है, जीबी सॉ, जॉर्ज बर्नर्ड सॉ के द्वारा। इट वॉज रिटन एंड प्रीमियर्ड इन 1905, 1905 में यह लिखी और प्रीमियर हुई थी पहली बार। इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर टू ईयर्स, और ये दो साल बाद पब्लिश भी हुई थी 1907 में। इट इज़ अबाउट ए यंग वुमेन, ये एक यंग वुमेन के बारे में है, एक बारबरा जिनका नाम होता है, पूरा नाम बारबरा अंडरशाफ्ट, अंडरशाफ्ट कहिए आप। सी इज हेल्पिंग द पुअर एज ए मेजर इन लंदन, वो किसी सेल्टर के मेजर के तौर पर पोस्टेड है और वो हेल्प करती है गरीबों की। आफ्टर मैनी ईयर्स, और वो ऐसे लोगों की मदद करती है, जैसे मान लीजिए जो युद्ध में जख्मी हो गए हैं या जिनका घर परिवार नहीं रहा, तो ऐसे लोगों की वो बिल्कुल मदद करती है। आफ्टर मैनी ईयर्स हर फादर, बहुत सालों बाद उसके पिताजी जो हैं जिनका नाम एंड्रयू अंडरशाफ्ट होता है, रीअपीयर्स, फिर से वो सामने आता है। ही इज़ नाउ रिच एंड सक्सेसफुल, मतलब वो एक बहुत जो है अमीर आदमी बन चुका है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री का वो ऑनर भी है, गन फैक्ट्री जो है रन करता है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि ही रन्स ए फैक्ट्री ऑफ वेपन्स, मतलब हथियारों, मतलब गोली, गोला बारूद, ये सब जो है वो बनाता है, बंदूक के छर्रे वगैरह जो भी होती है चीज़ें इससे जुड़ी हुई। ही कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प बट सी रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट द करप्ट मनी, मतलब वो उसके सेल्टर को हेल्प करना चाहता है बट वो रिफ्यूज कर देती है कि लाइक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपका पैसा करप्ट जरिए से, यानी करप्शन के जरिए से कमाया गया है, आपका पैसा सही नहीं है क्योंकि आप जो है गलत काम को बढ़ावा देते हैं, तो हम आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ऐसा बोलती है। ही क्लेम्स दैट ही इज़ डूइंग मोर एज ही इज़ प्रोवाइडिंग जॉब्स टू मैनी वर्कर्स, वो कहता है कि मैं तुमसे बेहतर काम कर रहा हूँ, बेहतर सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ। आगे बढ़ें तो लेडी ब्रिटोमार्ट अंडरशाफ्ट, जो कि एक ब्रिटिश अर्ल की एक डॉटर है, अर्ल मतलब किंग वगैरह होता है, राजा जो होते थे पुराने ज़माने में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है लेडी ब्रिटोमार्ट अंडरशाफ्ट। सी हैज़ आल्सो ए सन नेम्ड स्टीफन, उसका एक स्टीफन नाम का बेटा भी है। दे डिस्कस अबाउट ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर सारा, सारा उनकी एक बेटी है जिनके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि उनका कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसकी बेटी का। द ग्रोन अप डॉटर, जो कि एक बड़ी बेटी है उनकी, सी इज इंगेज्ड टू चार्ल्स लोमैक्स, वो चार्ल्स लोमैक्स से इंगेज्ड है, और बारबरा, बारबरा जो है एडोल्फस क्यूजिंस, इनसे इंगेज्ड है वो। द हस्बैंड ऑफ लेडी ब्रिटोमार्ट, इनका जो पति है जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, मेजर बारबरा के जो पिता हैं, एंड्रयू अंडरशाफ्ट इज आस्क्ड फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, मतलब उनको कहा जाता है कि आप किसी तरह की यदि फाइनेंशियल हेल्प कर पाएँ तो अच्छा होगा। इट हैज़ पास्ड ईयर्स ऑफ देयर सेपरेशन, उनको अलग हुए सालों बीत गए हैं। नन ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ इवन सीन हिज फेस, यानी उसके से किसी बच्चों ने चेहरा तक उनका नहीं देखा है, कोई नहीं पहचानता उनको। सी हैज़ अलोन रेज्ड देम, मतलब उसने अकेले यानी अपने बच्चों को बड़ा किया है। बारबरा इज ए मेजर इन द सेल्वेशन आर्मी, द सेल्वेशन आर्मी एक बाइबल का, बाइबल में इसका मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गरीबों की मदद करती है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संस्था है, विच हेल्प्स द पुअर हु आर ए मिजरेबल, हु आर इन ए मिजरेबल कंडीशन, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है ड्यू टू वॉर एंड अदर रीजन्स, चाहे वो युद्ध के कारण हो या फिर किसी अन्य कारणवश। इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लंदन, अब चूंकि प्ले की जो सेटिंग है वो लंदन में रखी गई है, तो ये कहीं लंदन के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ऐसा बताया जाता है प्ले के दौरान। एंड्रयू एंड बारबरा बोथ एग्री टू द प्रपोजल दैट दे बोथ विल विजिट ईच अदर, मतलब एंड्रयू जो हैं और बारबरा दोनों एक दूसरे के प्रपोजल को एग्री करते हैं कि वो एक दूसरे के जगह को, काम करने की जगह को विजिट करेंगे, यानी मेजर बारबरा जो है वो कहती है कि हम आपके फैक्ट्री को घूमने जाएंगे, और एंड्रयू भी इसी शर्त पर मान जाता है कि आपको भी मेरी फैक्ट्री देखने आनी होगी, मतलब बाप बेटी दोनों हैं ही। आफ्टर द विजिट टू द सेल्टर, जब वो घूमते हैं, एंड्रयू अंडरशाफ्ट जब आते हैं इसके सेल्टर में,
ही गेट्स इम्प्रेस्ड विद द वे ऑफ हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो जिस कदर जो है वो हैंडल करती है सब चीज़ को इतने अच्छे से, तो वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। ही विशेष टू बाय द शेल्टर, वो चाहते हैं कि वो उस शेल्टर को खरीद लें। एंड इन ऑर्डर टू डू सो, और ऐसा करने के लिए ही अनाउंसेस ए बिग अमाउंट एज अ डोनेशन, वो बोलता है कि हम बहुत बड़ी रकम जो है चंदा के तौर पर देना चाहते हैं। द सेम अमाउंट ऑफ मनी इज़ टू बी डोनेटेड बाय द ऑनर ऑफ ए विस्की फैक्ट्री, और इतना ही कुछ पैसा जो है लगभग इसी के आसपास एक विस्की फैक्ट्री के ऑनर द्वारा डोनेट किया जाना है। सी डज नॉट वांट द मनी बाय दीज टू मैन, वो चाहती है इन दो लोगों से उसकी संस्था जो है पैसा नहीं ले। बट अगेंस्ट हर विल, लेकिन उसकी इच्छा के खिलाफ, इट इज एक्सेप्टेड बाय द शेल्टर ऑफिशियल्स, शेल्टर ऑफिशियल्स जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं उस पैसे को। सी डजंट फील वेल, वो अच्छा फील नहीं करती, उसे अच्छा नहीं लगता ये बात बिल्कुल, वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। एज दे अर्न द मनी बाय रॉन्ग मीन्स, क्योंकि वे दोनों ही जो है एक शराब का फैक्ट्री का मालिक है जो कि बहुत ही गलत जरिया है पैसा कमाने का, और उसका पिता एंड्रयू अंडरसाफ्ट वो भी एक गलत जरिए से पैसा कमाता है जो भी बिल्कुल उसे पसंद नहीं है। मीनवाइल, इसी बीच क्या होता है, द मदर मीट्स मिस्टर अंडरसाफ्ट, यानी जो उसकी माँ है मिस्टर अंडरसाफ्ट से मिलती है, एंड टॉक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार के भविष्य के बारे में चर्चा करती है। ही सेज दैट ही हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट हीज फैक्ट्री विल बी ऑन्ड बाय ए फाउंडलिंग और एन ऑर्फन, मतलब वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि मेरी जो फैक्ट्री है इसको ऑन किया जा सकता है किसी फाउंडलिंग, फाउंडलिंग या ऑर्फन का मतलब होता है जिसका कोई नहीं हो, जो अपने माँ बाप के द्वारा रेज नहीं किया गया हो, ऑन्ड बाय ए फाउंडलिंग और एन ऑर्फन। सो दे लुक फॉर एन ऑर्फन, वो एक ऐसे अनाथ को ढूंढते हैं, सो दैट द फैक्ट्री कैन रिमेन देयर्स, ताकि वो फैक्ट्री उन्हीं की रह जाए। सून, जल्दी ही, इट इज़ रिवील्ड, या रिवील हो जाती है, या बात पता चल जाती है, दैट क्यूजिन्स, एस लग जाएगा यहाँ पर, क्यूजिन्स इज ए फॉन्डलिंग, क्यूजिन्स जो है एक फॉन्डलिंग है, एक मतलब वो अपने माँ बाप के द्वारा पला बढ़ा नहीं है, उसके माँ बाप के द्वारा उसको पाला पोषा नहीं गया है। दे बिकम हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, टू लर्न दिस, ये जानकर यह बात जो है बहुत खुश हो जाते हैं। मेजर बारबरा हैप्पीली मैरीज क्यूजिन्स, क्यूजिन्स से वो शादी कर लेती है खुशी खुशी, एज सी थिंक्स दैट सी विल बी एबल टू हेल्प मोर पीपल एट द फैक्ट्री, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएगी, सारे वर्कर्स की हेल्प कर पाएगी, या फिर उनको अपनी बातें बता पाएगी, उनसे शेयर कर पाएगी, और वो भी जो है राज़ी हो जाती है, और वो पहले से तो अफेयर में थी ही उसके साथ, क्यूजिन्स के साथ। द पर्पज़ ऑफ राइटिंग दिस प्ले सीम्स टू गिव ए मैसेज, इस प्ले को लिखने का जो पर्पज़ ऐसा माना जाता है कि ये जी बी सॉ एक मैसेज देना चाहते हैं। जी बी सॉ थॉट दैट इट डजेंट मैटर, कि यह फ़र्क नहीं पड़ता, दैट फ्रॉम वेयर द मनी इज़ अर्नड, कि पैसा कहाँ से कमाया जाता है। इफ़ द मनी इज़ डोनेटेड, कि यदि पैसा दिया जाता है, चैरिटी में दिया जाता है, किसी को दान में दिया जाता है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इट्स थीम्स, इसके जो थीम्स हैं आर मोरलिटी, रिलीजन, पावर, वेल्थ, वॉर, वायलेंस, हिपोक्रेसी एंड सोसाइटी एंड क्लास। तो ये सब इसके बहुत सारे थीम्स हैं, आप चाहें तो कुछ दो तीन कोट आप डिस्कस कर सकते हैं, यदि आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है या फिर थीम डिस्कस करने आता है। तो आपने किस तरह से देखा है कि पैसा के सामने झुकना पड़ता है, यानी मेजर बारबरा झुकती है क्योंकि वो उसे पैसे की ज़रूरत है, और वो कंप्रोमाइज़ करती है एक तरह से अपने लाइफ से। सो दिस वॉज द प्ले, थैंक यू फॉर वॉचिंग।